Hey everyone, welcome or welcome back to my tiny channel that is Pallavi's Art and Craft. Resin आजकल बहुत trend में है ना, और ये एक बहुत easy medium भी है to learn. ये मेरा second time है जब resin से मैंने कुछ थोड़ा बड़ा बनाया है. इसके पहले भी मैंने एक mirror बनाया था और वो मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि मुझे एक और बनाना चाहिए. तो चलो start करते हैं video. सबसे पहले एक wooden plank पे white color बहुत सारे पानी में mix करके एक coat paint किया है और उसके ऊपर mirror fix कर दिया है. Paint करने के बाद ये plank कुछ ऐसा दिख रहा है. आपको वैसे इस प्लैंक का टेक्सचर दिख रहा होगा, बहुत ही अनइवन है, बिल्कुल भी फिनिश नहीं है, पर कोई नहीं, मैंने सोचा कि रेजिन के अंदर सब छुप जाएगा. मिरर को नॉर्मल फेविकॉल से फिक्स किया है और ऐसा करने के बाद एक्रेलिक कलर से रेफरेंस पेंट कर लिया है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और वाइट, इन तीनों कलर का मुझे यूज़ करना था. पर अगर आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मुझे ब्लू, ग्रीन और वाइट ही यूज़ करना था. पहले से ही ऐसा पेंट करने के बाद अच्छे से गाइडलाइन मिल जाती है और पिगमेंट कैसे पोर करना है, कहाँ करना है, वो भी आइडिया लग जाता है. सो मैं बारी बारी से पेंट कर रही हूँ, पहले ब्लू कलर, फिर ग्रीन और वाइट, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लैंक वाइट कलर में मैंने पेंट कर रखा है, इसलिए मैं वाइट कलर पेंट नहीं करूँगी. आपका जैसा मन चाहे आप वैसा रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने थोड़ा कर्व और वेवी टाइप का रेफरेंस ड्रॉ किया है. मैंने सोचा था कि मैं ओशन थीम पे ये मिरर बनाऊंगी, पर मुझे लगा कि मुझे रेजिन जियोट्स करना चाहिए, तो इसलिए मैं कलर कॉम्बिनेशन ओशन वाले ही ले रही हूँ, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और वाइट. सो पेंट करने के बाद रेजिन मिक्स करेंगे और जहाँ पे भी क्रिस्टल फिक्स करना है वहाँ एक कोट रेजिन का लगाएंगे. ये रेजिन भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है. अमेज़ॉन पे ये इजीली अवेलेबल है, इनफैक्ट बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी. अभी मुझे जहाँ पे भी क्रिस्टल फिक्स करना है मैं उधर एक कोट रेजिन का कर रही हूँ, और मिरर के चारों कॉर्नर्स और जितने भी एज हैं मिरर के, उधर थोड़ा थोड़ा क्लियर रेजिन पोर कर रही हूँ ताकि ब्लंट ना रहे और एजेस जो हैं रेजिन से कवर हो जाएँ. ये क्रिस्टल्स भी मैंने इट्सी बिट्सी से ख़रीदा है और दो साइज़ में, लार्ज और मीडियम, इन दोनों को मिक्स करके मैं इस तरह से कुछ फिक्स करूँगी जहाँ पे भी मैंने रेजिन का कोट किया है. अच्छे से फिक्स करने के बाद इस पे मैं ब्रोकन मिरर फिक्स करूँगी. ब्रोकन मिरर मैंने घर में ही तोड़ लिया था, मेरे पास पहले से ही कुछ वेस्ट मिरर पड़ा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है छोटे छोटे पार्ट्स में और क्रिस्टल के ऊपर उसको फिक्स कर दूंगी. ब्रोकन मिरर फिक्स करने के बाद मैंने अमेज़ॉन से फिर से एक ब्लू और गोल्ड टोन में क्रस्ट मिरर परचेज़ किया था, क्योंकि वो मिरर एक साइड गोल्ड है और एक साइड ब्लू है, तो मैं दोनों साइड का यूज़ करूंगी. अब आप ये वाला साइड देख रहे हो, ये मिरर का नीचे वाला साइड है जो कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है. इसको मैं रेजिन से अच्छे से कवर करूँगी, उसके ऊपर अच्छे से क्रिस्टल लगाऊँगी अच्छे क्वांटिटी में, ताकि मिरर का ये वाला एज दिखे ही ना एक तरह से. इस तरह से कवर करने के बाद अब मैं इस पर क्लियर रेजिन पोर करूँगी, उसके बाद फिर मैं ब्रोकन मिरर अच्छे से लगाऊँगी. ये मैंने कुछ पीसेस कट कर लिए थे, उसको बारी बारी से जहाँ पे भी मैंने क्रिस्टल लगाया है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक दो पीसेस रख दूँगी, उसके बाद फिर से इस पर रेजिन पोर करूँगी. जितना छोटा मिरर होता है उतना अच्छा लगता है, पर बहुत छोटा छोटा मुझसे टूट नहीं पाया था, तो जितना भी मैंने कोशिश की कि जितना भी छोटा छोटा टूटे मैंने उतना तोड़ के फिर उसको प्लेस किया है. और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, इसमें ब्लू कलर और गोल्डन कलर दोनों साइड यूज़ कर रही हूँ. इसे भी प्लेस करने के बाद अच्छे से इस पर रेजिन पोर कर दूँगी. सो बारी बारी से हर जगह पे रेजिन पोर कर दूँगी अच्छे से, ताकि अब ये अच्छे से फिक्स हो जाए. अब आती है बारी सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग प्रोसेस की, तो ये मैं पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने ब्लू पिगमेंट यूज़ किया है, ब्लू के साथ रेजिन को मिक्स करके. पिगमेंट का रेशियो और रेजिन का रेशियो 1:10 का होना चाहिए. मिक्स करने के बाद हम अब इस पे बारी बारी से हम पोर करेंगे, जहाँ पे भी
ब्लू वाला कलर है उसके ऊपर मैं पोर कर दूंगी। आप जब भी रेजिन पोर करें धीरे धीरे से करें, बहुत तेज़ी में नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बबल्स फॉर्म होंगे। तो मैंने धीरे धीरे रेजिन पोर किया है और जो भी रेजिन बबल्स बन रहे थे, जो भी पॉप आउट हो रहे थे, उसको मैंने ऐसे आइसक्रीम स्टिक से या कोई भी वुडन स्टिक उसे अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दिया है और बबल्स को इसको टच कर करके मैंने इसको पॉप आउट कर दिया है। आप चाहो तो आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लो टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ जहाँ पे भी रेजिन ऐसे बबल्स दिख रहे थे वहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक से अच्छे से उसको एक बार टच किया और वो बबल्स गायब हो जा रहे थे। सो ब्लू कलर के बाद अब मैं ग्रीन कलर, मैंने सी ग्रीन कलर लिया है पिगमेंट का, वो मिक्स करके रेजिन में, और अब उसको पोर करूँगी बारी बारी से। इसको भी मैं धीरे धीरे ही पोर करूँगी ताकि बहुत कम बबल्स आएँ। बबल्स तो आएंगे पर कम आएंगे अगर आप धीरे धीरे पोर करोगे। आई एम रियली सॉरी फॉर द वॉइस क्वालिटी, मुझे वॉइस ओवर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही बुरा लगता है मेरी आवाज़ जब मैं इस तरह से रिकॉर्ड करके सुनती हूँ तो, और अगर गलती से कहीं कोई वीडियो चल गया मेरा, मतलब किसी के फ़ोन में या टीवी पे, मुझे लगता है कि आप म्यूट कर लो और ऐसे देख लो वीडियो। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे वॉइस ओवर करना नहीं आता। आई नो आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट इतना अच्छा वॉइस ओवर करते हैं, इतना अट्रैक्टिव लगता है वो, तो मैं उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। शायद टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, पर फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। कभी भी फ्लूइड आर्ट करते हो या रेजिन पोर करते हो तो हमेशा पहले डार्क कलर पोर करो, उसके बाद उससे लाइट, और सबसे लास्ट में जो सबसे लाइट कलर होता है वो। सी ग्रीन मिक्स करने के बाद, पोर करने के बाद, अब मैंने वाइट कलर बनाया है और वाइट कलर की क्वांटिटी भी 50 ml है, तो इसको बारी बारी से मैं पोर कर दूँ। तो मैंने टोटल 180 ml रेजिन मिक्स किया था, 50 ml ब्लू में लग गया, 50 ml ग्रीन में और 50 ml वाइट में, बचा 30 ml। तो 30 ml में मैंने 15 ml लिया, और सिल्वर डस्ट होता है फेविक्रिल का, ये पाउडर आता है सिल्वर कलर का पाउडर, फिर वो मैंने 15 ml में मिक्स करके और इस तरह से कुछ हल्के हल्के हाथ से टच किया, पर इसका कुछ अच्छा इफ़ेक्ट आया नहीं। और ये एक छोटा सा वीडियो है, वो मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हो गया। तो इसमें मैंने 15 ml में 15 g ग्लिटर मिक्स किया है और उसको सिरिंज में फिल करके इस तरह से लाइनें बना रही हूँ। ये प्रोसेस भी बहुत सेटिस्फाइंग है, और ये लाइन बनाने के बाद ग्लिटर रेजिन में ही हल्का हल्का मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा लुक आता है इसका। कुछ इस तरह से लाइन बना लेंगे। जहाँ पे भी मैंने क्रिस्टल मिरर फिक्स किया है उसके साइड साइड में मैं कुछ इस तरह से ग्लिटर की हल्की हल्की लाइनें दे दूँगी। सो ये काम फिनिश करने के बाद अब मैं इसको 24 घंटे के लिए, एग्जैक्टली 24 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी और कवर करके रखूँगी।
इधर मैं थोड़ा स्पार्कल स्प्रिंकल कर रही हूँ क्रिस्टल के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्रिस्टल बहुत शाइनी नहीं है। और ये है एक्रेलिक पेंट मार्कर, जो कि मैं ऐसी रैंडम थोड़ी लाइन ड्रॉ करूँगी हियर एंड देयर, और बस ये फाइनल स्टेप था इसको फिनिश करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा लगा या बुरा लगा, और शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।